बीजेपी सांसद ने सिंधिया पर जमकर बोला हमला। सिंधिया के उड़ गए होश। मध्य प्रदेश की सियासत में आया भूचाल। आपको बताते चले, मध्य प्रदेश बीजेपी के भीतर घमासान अभी थमा नहीं है। तीन मंत्री और विधायकों के बीच हुए विवाद में महापौर पति के कूदने के बाद अब सागर सांसद राज बहादुर सिंह भी इसमें उतर आए हैं। सांसद सिंह ने इशारों में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों पर निशाना साधा है। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे आकाश राजपूत ने दो दिन पहले नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ फेसबुक पर पोस्ट की थी, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। अब सागर सांसद ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि बाहर से पार्टी में आए लोगों के कारण स्थिति बिगड़ रही है। राजस्व मंत्री राजपूत सिंधिया समर्थक है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का सागर बीजेपी का पावर हाउस माना जाता है। जिले में तीन मंत्री हैं। बीते कुछ दिनों से मंत्री और विधायकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। मंत्री भार्गव और सिंधिया समर्थक मंत्री राजपूत जिले के दो बीजेपी विधायकों के साथ मंत्री भूपेंद्र सिंह की शिकायत लेकर सीएम शिवराज के पास पहुंचे थे। इसके बाद मंत्री राजपूत के बेटे आकाश राजपूत ने मंत्री के खिलाफ फेसबुक पर पोस्ट किया तो ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में सागर सांसद राज बहादुर सिंह ने सिंधिया समर्थक पर इशारों में निशाना साधा। सांसद ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि बाहर से पार्टी में आए लोगों के कारण स्थिति बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने बीजेपी के कैडर को समझा नहीं, दो तीन दिन में सब ठीक हो जाएगा, संगठन सब समझ रहा है। अपने इस बयान में सांसद सिंह ने भले ही कांग्रेस का नाम नहीं लिया हो, लेकिन खुद भाजपा और कांग्रेस से बीजेपी में गए लोगों से जुड़ रहे हैं। आखिर में सांसद सिंह ने सोशल मीडिया पर चल रही बयानबाजी को चिंता का विषय बताया। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर।